जब उठा लेगा तब करना। ठीक है। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विद हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, हेलो मिश्रा जी नमस्कार। नमस्कार वीर बहादुर भाई, हेलो, क्या हाल चाल है गुरु जी? सब ठीक है, अब आपका ही कृपा अभी तक था। अब क्या बताएं, हमें खुद आइडियो का बहुत दुख होता है, लेकिन क्या करें। अब देखिए अजय जी, किसी भी समस्या का बातचीत से ही हल निकलता है। चाहिए बताइए, उस दिन आपके पास या पहले आप बोल लीजिए या हम बोल लें, या हमको थोड़ा सा बोलने दीजिए, आप श्रेष्ठ हैं हमसे। ठीक है, नहीं हम नाराज नहीं है, बिल्कुल आप बोलिए। नहीं हम ये नहीं चिका रहे हैं कि आप हमसे नाराज हैं, कहीं नाराज होंगे, हमेशा हमने आपका या तो कहीं भी मान नहीं रखा हो तो बता दी। हम कई बार आपसे बात करने की कोशिश किए लेकिन आपने मेरा फोन नहीं उठाया। गोविंद भाई ने कहा कि आप वीर बहादुर भाई से बात कर लीजिए। हम आपके पास 9 बार फोन लगाए, आपने काट दिया, आपने हमसे बात नहीं किया। हमेशा हमने सोचा, मैं नहीं चाहता हूँ, हमेशा हमारे आप श्रेष्ठ हैं, आदर्श हैं, लेकिन अब आपने हमेशा हमारा सपोर्ट किया है, जो भी आपका आदेश हुआ है हमेशा हमने माना भी है। लेकिन आप जो स्वेच्छा से कहते कि आप मेरे अंदर से करिए, मेरे गाइडेंस में करिए, मैंने इलाहाबाद में गाली भी सहा है, धमकी भी सहा है, लेकिन मैं मजबूत था। आज मैं बहुत बेकार हूँ वीर बहादुर भाई, चलिए ठीक है। कौन बेकार कहता है तुमको? हमने बेकार कहा? मेरी बतिया, आप मेरी बात सुन के बाद सब कुछ कहिएगा। मैंने कोरोना में पूरा गया आया, कहाँ से मुझको कोरोना हुआ, मेरे उस वजह से मेरे घर हानि हुई, दो दो लोग चले गए, क्या हुआ वो अलग की बात है, ईश्वर की देन थी। आप कंपेयर कर लीजिए, आप श्रेष्ठ हैं, लोग लड़े हैं 2018 से 1400-1500 लोगों का रीट पड़ा है, बहुत लोग पढ़ाए हैं, मैंने मिनिमम हमेशा लिया है, और मैं आप सबसे कंपेयर कर लीजिए कि मैं इस भर्ती में किया हूँ कि नहीं काम किया हूँ। परिणाम मेरे हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है, वो अलग की बात है, लेकिन मैंने किया है कि नहीं, आप श्रेष्ठ हैं, इसका आप सर्वे कर सकते हैं, किए हैं इस बात को मैं भी मानता हूँ, मैं मानता हूँ इस बात को आप किए हैं, तो जो मैं किया हूँ सब कुछ किया हूँ। अब आकाश और पंकज की बात सुन लीजिए, हमको भी कष्ट बोल रहे, आकाश और पंकज की बात, हमारे साथ सब कुछ रहे, 1 रुपया से लेके 1000 तक सारा हम मैनेज करते थे। 1 रुपया कोई कह दे कि इस भर्ती में, मैं भी अपने घर से नहीं दिया हूँ भैया, ये भी इसी लड़कों से जो पैसा आता था वही मैनेज होता था, कोई कहीं भी जाता था उसका किराया भाड़ा खाना खर्चा होटल का, ये स्वाभाविक है, संगठन में ये चलता है। कोई आपके साथ हो या मैं ही संगठन को लीड करता था, हमारे साथ 10 लड़के चलते थे और 10ों का खर्चा जो लीडिंग करता है वो मैनेज करता है, ये स्वाभाविक है, ये करना भी चाहिए। जी जी, ठीक है। तो अब बात देखिए अजय जी, देखिए बात है भर्ती की, जी ठीक है, आप भी मेहनत किए हैं, लीडिंग किए हैं, चाहे इसके पहले विवेक जी आए हों, मैंने विरोध किया था, किस लिए किया था, ज्यादा पैसा मांग रहे थे लड़कों से, आपको अच्छी तरह पता है, 10,000 मांग रहे थे पहले, मुझे क्या कहने थे, मैंने सिर्फ इसीलिए विरोध किया था और उनको दबाया, 2500 रेट करवाया, मेरी इच्छा थी अशोक खड़े हों लेकिन नहीं हुए, मैं वहीं से बैक हो गया। जब मैं भर्ती को पूरी फाइनल कराया, आप लोग हमारे कांटेक्ट में आए, आपसे पहले सारे लड़के मुझे फोन करते थे, कहीं ना कहीं मैं चाहता तो जो कास्ट सर्टिफिकेट का मैटर था, प्रदीप कानपुर का लड़का जिन्होंने गलत किया, उसको भी मैं लीड करता, इसको भी करता, लेकिन मेरी व्यस्तता थी और मैं नहीं चाहा कि मैं फिर से उलझूं और कल क्या होता है और मेरा एक नाम खराब हो। आप आए, आप आगे प्रयास किया, आपका हमने सपोर्ट किया या नहीं किया? नहीं किए, हमने इस बात को आइडियो में
हमने आपका सपोर्ट किया, जो हमारे पास लड़के फोन करते थे मैं आपको बेस्ट मानता था, इससे आपके पास कन्विंस कर देता था कि आप अजय संभल ले लीजिए, मेरा नाम रेफरेंस करके बात करिए, आपका काम करेंगे। बात न्यायालय की है, न्यायालय में कोई भगवान नहीं है, सरकार नहीं कुछ कर सकती, तो हमारी आपकी क्या हैसियत है? सही है, सही, ठीक है। लेकिन प्रयास करने के साथ साथ आपने देखिए हमारे आपकी जो दूरी बढ़ी, ये 14 तारीख की तक ठीक थी, 14 तारीख के बाद से आपने यहाँ पे गलतियां किया या नहीं किया, इसको स्वीकार करते हो या नहीं करते हो? नहीं, स्वीकार करते हैं, गलतियां हुई ना, सुन लीजिए, गलतियां हुई ना। आपने हमको 23 तारीख या 19 तारीख को बताया था कि आप धरना न दीजिए, ये चीज है। हम चलिए, हमने देखो स्पष्ट रूप से कहा था, आज सुन लीजिए, हमने जब आपके ऊपर प्रेशर पड़ रहा था वकील करने के लिए, तब भी हमने आपको कन्विंस किया, और आप जब धरना के लिए कन्विंस किया लोगों को या हमसे आपने फोन किया, हमने स्पष्ट शब्दों कहा कि अजय मत करिए, अभी उचित नहीं है। आपने कहा ठीक भैया, लेकिन उसके बाद आपने जो भी किया मुझे, वहीं से हमारी आपकी दूरी बढ़ती है। चलिए अब हमारी बात भी सुन लीजिए, जब 19 तारीख को सरकार के द्वारा एक सप्ताह का समय मांग लिया गया, डेट मिला 26 तारीख को भैया, वहाँ पंकज भी थे, हम थे, 2018 के लीडर थे, तीन लीडर और भी इलाहाबाद के प्रॉपर थे, सबने कहा कि सरकार को कुछ कुछ इसमें जो समय मिला है, पंकज ने कहा कि जो ये समय मिला है इसको हमें भूलना चाहिए और हम लोगों को एक बार धरना देना चाहिए। ये तीन का निर्णय था और सब लोगों का था। हमने सबसे पूछा वहाँ कि क्या आप लोग राय बताइए, एक डेट बता दीजिए, जैसे आप लोगों का जतो है तो हमको भी वर्दी देना है। हमने आपको धरना के लिए मना किया, आपने मुझे बताया कि भैया मैं जा रहा हूँ, फिर से ऐसी मजबूरी है, नहीं बताया, नहीं बताया, दूसरी चीज, दो साल से आप लीड कर रहे थे, क्या मैंने कभी आपको फोन करके या किसी लड़के से कहा कि मुझे इसमें इन्वॉल्व कर लो, मुझे शौक है? आप ही लोग प्रेस करके मुझे बुलाए ना, आप ही लोग भर्ती के लड़के ले आए पूरे, बहुत कहें कि नहीं भाऊ, अब मैं 14 तारीख को गया तो अपना बेस्ट देकर आया, जी सही है, दिया या नहीं दिया आप लोगों के लिए? क्या मैंने किसी से एक रुपया, किसी से एक रुपया हमने लिया है? नहीं नहीं, किसी से नहीं लिया। और दूसरी बात सुनिए, जो धरना के बारे में है, आपको कौन लोग याद करते हैं, क्योंकि आपके पास आप सारी बात को खत्म करिए। देखिए बच्चों के हित का मामला है, जिसमें देखिए ना नुकसान हमारा होगा और जहां तक है नुकसान आपका होगा, लेकिन उतना नहीं होगा जितना लड़कों का हो सकता है, ठीक है, समझ सकते हैं इस बात को। किसी भी समस्या का बातचीत से हल निकलता है। जैसे आप भर्ती कराना चाहते हैं जी, आप सिंगल बेंच डबल बेंच से हारे हैं, तो कोई भी लीडर रहेगा वो यही चाहेगा कि मेरे नाम की जो छवि है मैं इसको जिता के ही इस छवि को दूर करूंगा। जी समझ सकते हैं ना इस बात को। जी मैं कभी ये नहीं चाहूंगा कि अजय का नाम रीत में न पड़े, या ना मैंने कभी आज में बोला भी है कि अजय का नाम हटाया जाए। मेरी मानसिकता, आप मेरी मानसिकता पहले बताएं, मेरी मानसिकता क्या है, भर्ती हो कि ना हो, आपकी मानसिकता? अभी तक जितना मुझे आपने मुझे ऑब्जर्व किया है, आपके कब चाहेंगे कि भर्ती ना हो? फिर भर्ती होगी कहीं ना कहीं एक मान सम्मान ही बढ़ेगा ना, चाहे हमारा हो चाहे आपका हो। आप देखिए बात आती है वकीलों की, क्या वकीलों से राय विचार विमर्श से जिन अधिवक्ताओं का हमने नाम बताया, जिन AOR का बताया, क्या वो गलत है? आप देखिए भैया, हाई कोर्ट के बारे में तो रगरग से हम परिचित हैं, सुप्रीम कोर्ट में मेरी बात सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बहुत ज्यादा तो हमें जानकारी अभी नहीं है कुछ। हम जो कहना चाह रहे हैं, जैसे आप गए, एक दो अधिवक्ता का नाम आपने बताया, पता किया, मेरे द्वारा जो बताए गए इनमें जो बेहतर हो, ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया तो इनको करवा रहे हैं, उनका वेरीफाई सर्टिफाई होना हमारा आपका दायित्व तो है कि नहीं है? नहीं है, जरूरी है, और जो है इस भर्ती क्या क्या ये दायित्व तो, क्या ये दायित्व तो अगर मैं अकेले जाके और लड़कों को बता दूं वो सही है कि हमारे साथ, या सपोज दैट आपके साथ दो चार लोग चले जाएं वो सही है? एकदम दो चार छह लोग चले और आप भी चलें, हम तो ये मैं अभी अभी जो आपसे बात कर रहा हूं, इतने लोग जाएंगे तो बेहतर होगा। अब बात आती है पैसे की जी, पैसा हमने मना किया,
कि आपके अकाउंट में ना जाए जी, समझ रहे हैं जी, और आप चाहते हैं कि आपके अकाउंट में जाए जी, अगर आपको छोड़ के किसी दूसरे के अकाउंट में जाता है उससे आपत्ति क्या है आपको, और आपके अकाउंट में जाता है तो उससे फायदा क्या है आपको? जी सुनिए, एक दिन दो से तीन दिन पहले हमारी पंकज से और आकाश से लाइन पे देखिए अजय, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लीडिंग आप कर रहे हैं, एक तरफ लीडिंग मैं कर रहा हूँ, और नुकसान इसमें बच्चों का होने वाला है। सही, मैं जो पूछ रहा हूँ अजय, देखिए मैं आपकी सारी बातों से सुन लीजिए, उसके बाद यहाँ थर्ड पार्टी की बात नहीं होनी चाहिए। हाँ, थर्ड पार्टी ने मेरी बात सुन लीजिए, जो पंकज ने ये सारे ड्रामा जो फैलाए हैं, जो ड्रामा फैलाए, सारी चीजों को देखिए, कभी कभी होता है ना कि जिंदगी में बड़े मुकाम जब जीता जाता है ना, चार कदम आगे चलने के बाद दो कदम पीछे भी चला जाता है, तब आप उठा लेंगे। ठीक है, तो आप ये समझिए, अच्छा सुन लीजिए, उन्होंने कहा कि आप पासबुक दे दीजिए प्रिंट करा के, उसके बाद अकाउंट नंबर आपका प्रोवाइड कर दिया जा रहा है, जो आएगा हर सप्ताह में उसका विवरण लिया जाएगा, जो खर्च होगा पूरी टीम के सामने होगा, हमने कहा ले लिया जाए। उसके बाद गोविंद ने फोन किया कि चलिए ठीक है, आप ना दीजिए चेकबुक दे दीजिए, हमने कहा ठीक है ले लीजिए। तो सब लोग बीच में क्या हो गया, जैसे मेरा ये कहने का मतलब है भैया, सारा चीज पास्ता हो जाए, कितना मेरे अकाउंट में है उस डेट से लेके पूरा चेक हो जाए, कितना आया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कितना खर्च हो रहा है टीम देखे। अजय जी, पिछली सारी बातों को दमन कर दीजिए, ना कोई हिसाब मांग रहा, ना मुझे शौक है, ना कुछ चाहिए। आगे से अगर आपके सिवा दूसरे का अकाउंट दिया जाता है उससे आपको आपत्ति क्या है, और अगर आपका अकाउंट दिया जाता है उससे फायदा क्या है? आपत्ति ये भैया कि हमारे कहीं ना कहीं कार्य करने में बहुत फर्क पड़ रहा है, जो हमें तीन साल में अनुभव हुआ है, जहां लगता था वहां ले, आज जो लोग कह रहे हैं, आपने जो कहा था वकील के समय, ठीक है आपकी भी बात हम माने थे, और जो ये कह रहे हैं कि नहीं कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं, आप पंकज से पूछिएगा, वहाँ जब चैम्बर में गए यतन सिंह के वहाँ पूछे तो उन्होंने कहा कि जतो सारी बातों को छोड़ दीजिए अजय जी, एक बार बताइए, जैसे अगर ज्वाइंट अकाउंट हो तो उसमें आपको क्या दिक्कत है? नहीं, ज्वाइंट अकाउंट में हमें कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात सुन लीजिए, हमारा आपको हम पे विश्वास नहीं है तो मेरा आप पासबुक रख लीजिए, चेकबुक रख लीजिए, जहाँ भी आपको लगेगा वहाँ आप आईडियो के आप श्रेष्ठ हैं, आप प्रोवाइड दीजिएगा कि अजय मिश्रा ये गलत कर रहे हैं, गलत खर्च, जो भी काम होगा आपके निगरानी में होगा। आप एटीएम पासबुक देने के लिए तैयार हैं? मैं पासबुक आपको देने के लिए तैयार हूँ 100%। हाँ 100% मैं कह रहा हूँ, पासबुक आपके पास रहेगा हमारा, जो पारदर्शिता होती है ना, शीशा एकदम साफ। मैं आपसे वादा करता हूँ, जो भी कार्य होगा मैं आईडियो कर दूंगा, जो भी कार्य होगा आपके निगरानी में होगा, मेरा पासबुक आपके पास रहेगा प्रिंट आउट कराने के बाद। ठीक है, दूसरी चीज मैं सहमत हूँ आपके बात से, दूसरी चीज जी, जो समिति बनाने की बात है जी, आप क्या पंकज मिश्रा, आकाश, गोविंद, जिनका भी हमें नाम दिया है, हमें क्या इनको आपके साथ रहने में कोई आपको छवि या खराब होगी या एक चीज मेरी सुन लीजिए, मुझे अब किसी पे विश्वास नहीं है, जो तो अब भी है तो आप पे है, टीम आप बना दीजिए, जो टीम रहेगा मैं कार्य करूंगा, लेकिन मुझे अब जो भी है सबसे ज्यादा आप पे विश्वास है, जो आप टीम की बात कर रहे हैं उन टीमों से ज्यादा आप पे विश्वास है। लेकिन तो आप अजय जी, मैं अजय जी एक चीज कहना चाहूंगा, आप अपने तरफ से आठ लड़के, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं, एक भी लड़का, पहले मेरी बात सुन लीजिए, आप टीम की बात करना चाहते हैं, आप अपने तरफ से प्रदेश के किसी जिले के आठ लोगों को नियुक्त कर लीजिए, नाम बता दीजिएगा जी, ठीक है, और दो व्यक्ति मेरे तरफ से जिसको भी देंगे उनको शामिल कर लेना, कि जब भी आप एडवोकेट से बात करने जाना, चाहे एडवोकेट आप सर्च करना, ठीक है जी, वो दो लोग चले जाएंगे आपके साथ, बात कर लेंगे आपके साथ, बात आप ही करेंगे, वो लोग सुनेंगे क्या बात जी। उसके बाद जो भी कंस्टिट्यूशन आता है सार्वजनिक रूप से करना, मैं भी मदद करूंगा जो मुझसे हो पाएगा, लड़कों को भी बताऊंगा कि आप लोग एकता में एक मंच पे आके काम करिए और भारतीय प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। मैं इसमें आपको कोई दिक्कत हो, लेकिन
आप आठ आठ लड़के जिसको चाहते हो उसको रख लीजिए, एक मिनट रुकना, एक मिनट सुना रहा हूँ। अजय अजय जी देखिए, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, आठ समिति में आठ लोग, सुनिए, समिति में आठ लोगों को जिसको आप शामिल करना चाहते हो शामिल कर लीजिए, चाहे जो हो मुझे कोई मतलब नहीं। दो व्यक्ति हमारे ऐसे रहेंगे, फिर आप ये मत कहना कि इनसे मुझे आपत्ति है, वो आपको कहीं नोटिस करेंगे, आपको जो वकील, सुनिए, आपको सुप्रीम कोर्ट में जो वकील सर्च करना है आप सर्च कर लीजिए, तो यार जो है सर्च कर लीजिए, अकेले आप नहीं जाएंगे, जिस दिन जाना होगा मुझे बता दीजिए, बहादुर जी मैं जा रहा हूँ। आप जो कह रहे हैं ना, आप जो तो मुझसे ये कहते कि मैं दसों करूंगा, उससे मैं सिर्फ, देखो आप देखो क्या है ना, इतना ज्यादा ग्रुप में आईडियो जा रहा है मेरे द्वारा, आपके द्वारा और लोगों के द्वारा, इसका बड़ा नुकसान हो रहा है, आईडियो सुन रहे हैं केवल, वही दिक्कत है। मैं आपसे बता दूं, सुबह से अभी मैं चाय भर पिया हूं, समय नहीं पा रहा हूं, फोन आ रहा है, मैं आपकी मजबूरी को समझ सकता हूं, इतना फोन आ रहा है कि मैं क्या बताऊं। आज के बाद से अजय एक चीज याद रखना, पहला नंबर ये मेरा चाहे आग्रह समझ लीजिए, ब्राह्मण देवता जो है, ब्राह्मण देवता ब्राह्मण है, लेकिन भले आप वो कुछ नहीं, आप हमारे लिए, मेरा नंबर सारे ग्रुप को, जितने भी आपके द्वारा ग्रुप बनाए गए हैं सारे ग्रुपों में जो भी लड़के प्रमुख रूप से एक्टिव हैं, उनको आप एडमिन ना बनाइए, आप उनको लेकिन ऐड करिए ग्रुप में, कोई प्राइवेसी में लगाइए, जिससे सारी बात अपने लोग कह सके, अगर मुझे उचित समझते हो ऐड करना, नहीं समझते होंगे मत करना। मैं आपको जुबान देता हूँ, जब तो आपका कोई भी बात कोई भी लड़का किसी के कमेंट नहीं करेगा, मैं चाहता हूँ भर्ती हूँ, ठीक है। और रही बात अधिवक्ता की, एक अधिवक्ता मेरे प्रीतम पासवान के सौजन्य से आपको कहीं से भी एक अधिवक्ता हम लोग फ्री ऑफ कास्ट सुप्रीम कोर्ट में उपलब्ध करवाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। और एक आप एक जो भी है शॉर्टकट में दीजिए कि मेरी बात चुकी है, अब कोई भी आप मतलब आप चाहे ग्रुप में मैसेज ऐड करने के बाद चाहे पब्लिक कर दीजिए लिख के, और चाहे छोटा एक ऑडियो डाल दीजिए, मैं दोपहर में एक ऑडियो डाल दूंगा, सारे लोग आके हम अजय और सारे लोग की नाराजगी को दूर करते हुए एक मंच पे एक आह्वान में काम करेंगे, जहाँ दुर्भाग्य जरूरत होगी आप बुलाओगे, मैं कंधे से कंधे मिला के खड़ा हूँ, भर्ती को कराइए मेरे भाई, ठीक है, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप ग्रुप में शांति बनवाइए, बाकी जहाँ और सजेशन जरूरत होगी मदद की होगी वहाँ, ठीक है, ठीक है भैया, प्रणाम।